हेलो क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.2। देखो ये फर्स्ट पार्ट दे विच की क्या होया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स केड़े हुंदे ने विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। हुण देखो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई आपा करना। हुण आपा नू स्टेटमेंट गिवन है 4,7p, दैट मीन्स कोमा साइन हटा के आपा की करना, मल्टीप्लाई दा साइन लगा देना ते इन्हां दा प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। देखो जिवें फर्स्ट पार्ट दे विच आपां नूं की क्या होया, फर्स्ट सम दे विच 4,7p प्रोडक्ट फाइंड करने लिए क्या, सो आपां की लिखांगे 4×7p विच इज इक्वल्स टू 28p। हुण देखो सैकेंड सम दे विच की है, वैल्यू -4p,7p, सो इन्हूं भी आपां आपस च मल्टीप्लाई करांगे, -4p×7p। सो इहदे लई आपां की करांगे, कोफिशिएंट्स जो ने आपां अलग अलग रखांगे, -4×7×, जो वेरिएबल्स है उन्होंने अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4×7 इज -28×p×p² विच इज इक्वल टू -28p². सेम इसी तरीके नाल इस पार्ट के जो बाकी दे सम ने भी सॉल्व हो जाएंगे, -4p×7pq, सो अपने कोफिशिएंट्स जो ने अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड जो वेरिएबल्स है उन्होंने अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपस विच उन्होंने मल्टीप्लाई करके अपना की आ जाएगा आंसर। देन सेकंड पार्ट च देखो की क्या इन्होंने, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। की फाइंड करना, एरिया फाइंड करना की दा रेक्टेंगल दा, विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स आज आपां नूं पेयर्स गिवन ने, आपां नूं की गिवन ने, एल और बी, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ गिवन है की रेक्टेंगल दी। सो इहदे विच आपां की करांगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दा फॉर्मूला लगावांगे, दैन वैल्यू पुट करके इन्हूं सोल्व करांगे। हुण देखो फर्स्ट वैल्यू आपां नूं की गिवन है, p,q, दैट मीन्स उन्होंने की किया सीगा, लेंथ और ब्रेथ गिवन हैगी है रिस्पेक्टिवली। सो दैट मीन्स फर्स्ट जो है आपां नूं की गिवन होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज पी, एंड द सेकेंड वन इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू क्यू। हुण फाइंड की करने लिए क्या सी इन्होंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हुंदा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, वैल्यू पुट करांगे की है p×q। सो अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल किन्ना आ गया, pq। सेम इसी तरीके ना बाकी दे जो पार्ट्स गिवन ने उन्हां नूं भी सॉल्व करांगे। लेंथ किन्नी दित्ती हुई है 10m, ब्रेथ दित्ती हुई है 5n, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दा फॉर्मूला आपां नूं पता की हुंदा, l×b, वैल्यूज पुट करांगे, मल्टीप्लाई करके उन्हां नूं सॉल्व कर देंगे। देन अगे थर्ड सम च देखो की क्या इन्होंने, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स फिर आपां इहदे विच मल्टीप्लीकेशन करनी है। हुण देखो इस साइड जो है आपां नूं की गिवन है, फर्स्ट मोनोमियल, इस सारे की है कि अपने फर्स्ट मोनोमियल, एंड डाउनवर्ड आपां नूं की गिवन है सैकेंड मोनोमियल्स इह वैल्यू। सो हुण देखो आपां नूं फर्स्ट वैल्यू इन्हां नूं सोल्व करके दसी है किवें। देखो फर्स्ट रो नूं जदों आपां सोल्व करना, इह वाली रो नूं सोल्व करना, तां इहदे विच की आ रहा, फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम। सो दैट मीन्स जदों फर्स्ट कॉलम आ चीज आपां सोल्व करांगे तां की होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम दैट इज 2x×2x विच इज इक्वल्स टू 4x². हुण इसी तरीके नाल आपां बाकी दे फाइंड करने आ, उह देखदे आ। देखो हुण आह वैल्यू तां आपां नूं गिवन सी, हुण हैगी तां अपनी फर्स्ट रो ही आ, बट कॉलम जो है उह चेंज हुंदे जाणगे। हुण फर्स्ट रो ही आ, दैट मीन्स 2x ही आ, फाइंड किहदी करनी आ, इहदी वैल्यू। इत्थे कॉलम ते किहड़ी वैल्यू गिवन है, -5y, दैट मीन्स 2x नूं मल्टीप्लाई करांगे -5y दे नाल। सो किन्नी वैल्यू आजूगी अपनी, 2x×-5y -10xy, -10xy वैल्यू आ गई। देन सेम फॉर थर्ड, 2x×3x², 2x इत्थे ही रहूगा, मल्टीप्लाई किहदे नाल हो रहा, केड़े कॉलम दे विच, थर्ड कॉलम दे विच, वैल्यू किन्नी है 3x². सो 2×3 6x×x² x³। सेम इसे तरीके नाल आपां अगे दी वैल्यूज फाइंड करदे आं। हुण देखो इह जो लास्ट वैल्यू अपनी की है, -9x²y². हुण इहनूं वी आपां इत्थे फर्स्ट कॉलम दे विच लिखणा, तां फर्स्ट कॉलम च आपां नूं की गिवन सी 2x, दैट मीन्स इहनूं आपां मल्टीप्लाई करांगे
टू एक्स दे नाल, सो अपने को वैल्यू किन्नी आ जाती है माइनस ऑफ 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। देन अगे देखो फोर्थ पार्ट दे विच की गिवन है, ऑबटेन द वॉल्यूम ऑफ रैक्टेंगुलर बॉक्सिस विद द फॉलोइंग। डेट मीनस हुण इहदे विच की फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना ऑफ रैक्टेंगुलर बॉक्सिस, गिवन की आपां नूं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। डेट मीनस फर्स्ट आपां नूं लेंथ गिवन है, दैन ब्रेथ, दैन हाइट गिवन। सो देखो फोर्थ सम दे विच आपां नूं की फाइंड करने लई कहा सी वॉल्यूम ऑफ रैक्टेंगुलर बॉक्सिस। सो वॉल्यूम दा फॉर्मूला की है, एल इंटू बी इंटू एच। सो तीनों दी वैल्यूज आपां नूं गिवन सी स्टेटमेंट दे विच। फर्स्ट पार्ट दे विच की वैल्यू गिवन है, एल दी वैल्यू किन्नी है 5a, बी दी वैल्यू है 3a स्क्वेयर, एच दी वैल्यू है 7 इंटू ए रेज टू पावर 4। सो इन्हां नूं अगर आपां सॉल्व करिए तां सेम कोफिशियंट एक साइड मल्टीप्लाई कर लैंदे आ एंड वेरीएबल्स नूं एक साइड, देन इन्हां नूं सॉल्व करिए तां किन्नी वैल्यू आ गई 105 इंटू बेस सेम पार एड किन्ना हो जाएगा ए रेज टू पार 7। सो अपने को किन्ना आंसर आ गया 105a7। सो इसी तरीके नाल अगला सम भी फाइंड कर लेना, इदा ही एल इंटू बी इंटू एच दा फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू गिवन है वैल्यू नू पुट करके देन सॉल्व कर लेना। देन देखो फिफ्थ पार्ट दे विच की किया, ऑबटेन दी प्रोडक्ट ऑफ, देन अगेन मल्टीप्लीकेशन करनी है, वैल्यूज आपां नू गिवन है, कॉमास नू हटा के आपां मल्टीप्लाई दा साइन लगा लेना। सो देखो फर्स्ट सम दे विच आपां नू की वैल्यू गिवन है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, प्रोडक्ट फाइंड करना, सो कॉमास नू हटा के आपां मल्टीप्लाई दा साइन लगावांगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन अपने को की वैल्यू आ गई, एक्स किन्ने ने 2, बेस सेम पावर एड एक्स स्क्वेयर, वाई भी 2 ने, वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर। देन सेम इसी तरीके ना बाकी दे भी सम फाइंड हो जाएंगे, कॉमास नू हटा के आपां की करना मल्टीप्लाई दा साइन लगाना, कोफिशिएंट नू अलग मल्टीप्लाई करना एंड जो अपने वेरिएबल्स है उन्हां नू अलग मल्टीप्लाई करना। सो इस तरीके नाल अपने बाकी दे पार्ट भी इहदे सॉल्व हो जाएंगे। सो क्लास दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2, फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर।